हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में शाही किले के अंदर और यहां पर भारत से 112 के करीब यात्री आए हैं जिन्होंने जो अपने मजहबी जो इबादत थी वो कटास राज मंदिर के अंदर अदा की और आज उन्होंने यहाँ पर शाही किले के अंदर जो तारीखी मकाम हैं उसके साथ साथ जो लव राम लव जी का जो एक मंदिर है उसकी भी यहाँ पर यात्रा की है और अब वो जा रहे हैं एक और जो मंदिर है यहाँ पर उसकी यात्रा के लिए। तो हम उनके साथ ही हैं यहाँ पर, हमने उनकी थोड़ी सी कवरेज भी की है और अब यहाँ से रवानगी हो रही है जो दूसरा मंदिर है। मंदिर का नाम कृष्णा राम मंदिर है जो लाहौर में बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं और हम आपको अपडेट देते रहेंगे के सारे जो इस वक्त यात्री जा रहे हैं हम उनके साथ ही मंदिर की आपको दर्शन करवाते हैं। वीडियो देख रहे हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त बहुत ही मेरे लिए खुशी का मौका है कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो अहम शख्सियात जो कि पाकिस्तान में आए हैं यात्रा के लिए भारत से। तो हम इनसे जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हुआ पाकिस्तान आकर, ये इन्होंने यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो तारीखी मकामात हैं उनकी सैर भी की, उसके अलावा कटास राज जो मंदिर है वहाँ पर भी गए उन्होंने, वहाँ पर भी जो अपनी जो है इबादत जो है वो कंप्लीट की। तो पहले इनसे तारुफ करते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? पवन गुप्ता, दिल्ली से। अच्छा, आपका नाम और आप कहाँ से? कृष्ण तनेजा, फाजिलका, पंजाब। सर, कैसा आपको फील हुआ पाकिस्तान, आप पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आ चुके थे? पहले भी आ चुके हैं, मैं पांचवी विजिट है मेरी ये जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पहले से भी ज़्यादा बेहतर इंतजाम और बहुत ही ज़्यादा इज्जत तो खैर पहले भी मिलती रही और आज इस बार कुछ ज़्यादा ही लगी। और बहुत कटासराज गए, वहीं बहुत ज़्यादा इंतजाम अच्छे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इबादत की अपनी, शिवरात्रि का त्यौहार मनाया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। अभी आप इस वक्त मौजूद हैं शाही किला के अंदर, यहाँ पर भी एक मंदिर है। हाँ जी, लव जी का मंदिर तो वो देखा हमने, लव जी की समाधि देखी जी। वहाँ बैठे इबादत की, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर बैठ के। जो भगवान लव जी हैं उन लव के नाम से, हमारे जो आपके लाहौर का नाम जो है उनके नाम से बड़ा है और भगवान राम के हम वंशज हैं, हम वो उनकी हमारी जो संतान है वो आगे भगवान राम की वंशज है। हम उनकी आज समाधि देख के अपने आप को बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि धन्य है हम आज, हमारे पंजाबी में कहावत है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं। हुई है हमारा जन्म हुआ है और जो हमारे बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, माता पिता हमारे, जहाँ उनकी पैदाइश यहीं की है और मेरी माता इस टाइम 85 ईयर्स की है। कहाँ की है वो? मेरी माता डेरा बाबा भुमन शाह की है और जो मेरे पिताजी हैं वो मंडी बशीरपुर के थे, नियालमार गांव था हमारा, मैं बेसिकली फाजिल का, हवेली लखा के नजदीक है हमारा गांव। चढ़ते पंजाब से जी, आप ये तो लहंदा पंजाब है, आप चढ़ते पंजाब से, तो और कोई यहाँ का कोई आपको अच्छी चीज़ लगी हो उसके बारे में बताइएगा। अभी तो हम खैर गए नहीं, लाहौर ही रुके हुए डेरा साहब, अभी जा रहे हैं कृष्णा मंदिर जा रहे हैं, रहेंगे। बाकी अच्छा लगा, काफी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हमारा दिल चाहेगा आपका पाकिस्तान आ पाए दोबारा। हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और लहंदा और पंजाब और चढ़ता पंजाब दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। तो ये वीजे की नरमियाँ हो तो पाकिस्तानी भी जाना चाहेंगे, पाकिस्तानी भी जिस तरह आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमारा भी दिल करता कि हम भी, मेरे भी पुरख जो है वो जलंधर और होशियारपुर के रहने वाले हैं तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ। तो ये वीजे की अगर पाबंदियाँ जरा नरम होगी तो हम भी। वो पंजाबी में गीत है, करी कते मेल रबा दिल्ली से लाहौर था, तो आज दिल्ली और लाहौर का मेल हो गया, ये हमारे पवन गुप्ता जी हैं, ये दिल्ली से हैं और मैं आप लाहौर से हूँ, बहुत खुशी है। लैलपुर से हूँ, फैसलाबाद, बहुत खुशी हुई है मिलकर, स्पेशली फैसलाबाद से आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या फील हो रहा है आपको पाकिस्तान में आके?
पाकिस्तान में आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अपने में ही आए हैं, जैसे हमारा श्री कटासराज जी धाम है यहाँ पे, इसके लिए मेन हम दर्शन करने यहाँ आते हैं। और इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, हमारे जो अंडर सेक्रेटरी साहब हैं उनका और सारी टीम का, रंधावा जी, मानिक जी और फराज, जितने हमारे सब जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर साहिबान हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हर जगह पर, और लोकल जो आवाम है आपके यहाँ, जो लोकल पब्लिक है, दे आर ऑल्सो वेरी लविंग इन कॉपरेटिंग। मैं लालपुर फैसलाबाद से आपको मिलने के लिए स्पेशली वहाँ से आया हूं। सो नाइस ऑफ यू जी। मेरा दिल चाहा था कि आप लोग आए हैं, आपसे मुलाकात हो जाए और अब वीडियो भी बन जाए, कि यादगार हो जाती है। क्या बात है, देखिए आपकी वो चीज़ भी परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने आपके लैंग्वेज में भी कि वो उन्होंने पूरी करवाई है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी। बताइए, और दोबारा भी आना चाहेंगे आप? हम फर्स्ट टाइम आए 1982 से। ये जो यात्रा है श्री कटासराज जी की, ये सनातन धर्म सभा उत्तरी भारत के तत्वधान में होती है, अंडर होती है, जिसको कि मेरे दादाजी बख्शी चंद्रलाल बजाज, जो कि उन्होंने 1982 में पहला जत्था लेके वो आए थे। सर अपना नाम, मैंने मेरा नाम, हाँ प्लीज, मेरा नाम है विश्व सिंह बजाज और मैं जत्था लीडर भी हूँ। और अपनी केंद्र सनातन धर्म सभा उत्तरी भारत, जो कि नेशनल लेवल की हमारी इंडिया की वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और यहाँ आकर मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। नो वर्ड्स फॉर दीज वेलकम्स एंड ऑल द जेस्चर्स। मेरा 3 से 4 बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे और ये फर्स्ट टाइम मैं जत्था लीड कर रहा हूँ। तो इससे पहले जैसे और भी हमारे, हम लोग ही वहाँ से डिसाइड करवाते हैं जैसे कि जत्था कौन लीड करते हैं या जैसे भी होता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही सारा चलता आ रहा है। और हमें बहुत सपोर्ट होती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की और स्पेशली ETPB की, इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की, उसके लिए हमेशा हम धन्यवाद दें। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों, ताकि जैसे आप यहाँ पर विज़िट करते हैं और आपको मोहब्बत मिलती है, तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही वहाँ पर विजिट करें तो उनको भी वैसे ही बिल्कुल वहाँ पर सम्मान रेसिप्रोकल ही होएगा। और एक चीज़ और है कि एक जो ये हमारा जो आपसी जो ये चीज़ें हैं, उसका मैंने आज भी एक चीज़ का मैंने उल्लेख किया था कि देर इज़ अ चेन बिटवीन द टू नेशंस। जैसे कि लव जी के नाम से लाहौर का ये बना है आपका शहर, तो ये एक हमारे में देखिए ना, दोनों एक सभ्यताओं में एक बहुत बढ़िया एक की फंक्शन है, तो इन चीज़ों से जुड़ाव होता है संस्कृति, और उससे चीज़ें टूरिज्म भी बढ़ता है, रिलीजियस मायनों का पता लगता है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। और आप लालपुर से आए हैं, स्पेशली आपका धन्यवाद कि आप यहाँ मेरे आपको पास पता कि शहीद भगत सिंह की हवेली भी जो है वो हमारे लालपुर में है। नेक्स्ट टाइम आप उसको भी प्लान कीजिएगा। जी जी जी। तो आप एक नेक्स्ट प्लान जो है वो एक हमारे सियालकोट में मंदिर है, भगवान शिव जी का शिवालय है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि दोनों तरफ से मेरी जो सरकारें हुकूमतें हैं उनको बायलैटरल उनसे परमिशन हमें मिले और हम वहाँ भी जा सके, क्योंकि ऑन द वे आती है हमें जाते हुए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा उससे कि एक जगह और हमें देखने को मिलेगी और लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में भी हमें एक अच्छे मालूमात होंगे और एक अच्छा, जैसे कि आप भी चाहते हैं कि एक जेस्चर बने आपस में कंट्रीज का। और मेरा तो मैसेज ये भी है कि जैसे अब हिंदुस्तान भी हमारा जैसे तरक्की की राह पे है, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है उस चीज़ को, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे नेबर्स हैं वो भी तो सारे आगे चलें। हाँ। यही मैं सवाल करना कि आपने पाकिस्तान की तरक्की को और इंडिया की जो जिस तरीके से दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही, वो पाकिस्तान को देखिए आपको क्या फर्क क्या महसूस हुआ? देखिए मैं किसी को भी, हम लोग का एक चीज होती है कि हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते। हम कहते हैं कि लाइन को हमेशा लंबी खींचिए, लकीर लंबी खींचिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के नेबर कंट्रीज हैं और वो भी सभी ऐसे ही राइज करें और ऐसे ही आगे बढ़े, प्रॉस्पर हों। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे जितने आसपास के जितने हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो प्रॉस्पर करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और हम लोग एशिया में एक ताकत बने, एशिया जो है वो वर्ल्ड पे रूल करे, एशिया, ना कि हिंदुस्तान, ना कि कोई और छोटी मोटी कोई और कंट्री है कोई भी, और तो सभी मिल के चलें और आप भी तरक्की करें तो हमें बहुत खुशी होगी। बड़ी अच्छी आपने बात की, अगर पाकिस्तान और इंडिया के आपसी तल्लुकात बेहतर हो जाएं जी, तो हम जो इतना जो हमारा बजट जो डिफेंस पे लगता है वो लोगों की फलाह पे लगेगा और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर हम उभर सकते हैं। आप लोगों को इतनी समझ है ही है इन चीज़ों की, तो ये चीज़ें आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करें तो आप अपने आप उसके रिजल्ट पा लेंगे। जैसे हमारे वहाँ माननीय मोदी जी जिस तरह से सारे आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीडर हैं इस समय, और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की की जो एक राह उन्होंने तैयार की थी और उसे अब मंजिल की तरफ परवान चढ़वा रहे हैं वो, जैसे आपने बताया कि 5th लार्जेस्ट हम लोग ये नेशन